अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम हमारे माजिद भाई के यहाँ और कुछ अच्छे नायाब और बाहर की ब्रीडों का कबूतरों को शो कराएंगे। तो माजिद भाई अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। माजिद भाई, अपन आज कौन कौन से कबूतरों का शो कराएंगे? जैसा गोल्डन है, टेडी है, सियालकोटी है, मोती वाले हैं, कमग्गर हैं। और ये कबूतर आपके पास कहाँ के हैं? ये मेरा उस्ताद है तशफीक बख्शी भाई, जो सऊदी में 30 साल रहे हैं, उन्होंने वही कबूतरबाजी करी है। वो मेरे उस्ताद हैं और बड़े भाई भी हैं। सिर्फ उन्हीं की दर की ब्रीड है ये, वही लेके आए थे, तो उन्हीं से अपन ने बढ़ाएं, थोड़ी ब्रीडिंग करवाई यहाँ पर, वही ब्रीड लाइन असल हालत में अपन कबूतरों का शो कराएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे इंशाल्लाह। जी चलिए दोस्तों, चलते हैं अपन कबूतरों की तरफ और शो करते हैं कुछ बाहर के कबूतरों का। तो दोस्तों, शो करते हैं कुछ ब्रीड का, तो देखते हैं कौन से कबूतर में शो करा रहा है माजिद भाई। और ये देख लीजिए आप, ये माजिद भाई का पूरा लॉफ्ट है, ये पूरा लॉफ्ट है, ये देखिए आप। ठीक है, तो माजिद भाई, ये कौन सा पेयर का आप शो करा रहे हैं और इसके बारे में कुछ बताइए आप, कौन सा पेयर है? अब देखिए, इनके बारे में ज़्यादा जानकारी तो मुझको है नहीं जी, मेरे उस्ताद को ज़्यादा जानकारी है, बख्शी भाई को। ये सब बटेरे हैं जी, तो शो कराइए आप इनका। ये मादा है, ये मादा है जोड़ की। कौन से कबूतर है माजिद भाई? ये सब बटेरे सियालकोटी कहलाती है ये ब्रीड। ये असल हालत में है ना कबूतर? जी हाँ, ओरिजिनल है पियो। ये मादा मेरी इधर शाम उड़ चुकी है, रात भी रह चुकी है। देखिए, शो करिए दोस्तों, ये मादा का तो ब्रीडिंग में है ये, तो पर थोड़े से थोड़ा सर्दी बारिश से। जी, बारिश में ऐसे हो जाते हैं कर। बिल्कुल एक पत्ता जिसे खेत में डाली जाती है। चलिए दोस्तों, इसका मेल का शो करते हैं। दोस्तों ये नर है, अभी जो फीमेल दिखाई थी, तो इसके आँख का शो कीजिए। असल हालत के बटेरे सियालकोटी कबूतर, सुर्ख पंजे देखिए दोस्तों, और एक पत्ता धूमे इनकी, देखिए आप, देखिए दोस्तों, एक पर धूमे इनकी। चलिए दोस्तों, इस पैर का छोड़ के शोक कराते हैं आपको। दोस्तों शोक कर कीजिए, ये देखिए, ये मेल है और इसकी फीमेल है, और ये माजिद भाई के उड़े हुए कबूतर भी हैं। शोक कीजिए पैर का, असल हालत के सियालकोटी बटेरे कबूतर। दोस्तों, अभी आपको सियालकोटी बटेरों कबूतरों का ब्रीडर पेयर दिखाया था, ये सब उनके बच्चे हैं। तो माजिद भाई, इनके बारे में बताइए कुछ, कि आपके यहाँ क्या परवाज़ दी और क्या उड़े हैं ये कबूतर? साहब माशाल्लाह, इनकी परवाज़ बहुत ही अच्छी है। खैर, अपनी तो कोई तारीफ नहीं है, कबूतरों की तारीफ है। कबूतर ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और जितने भी मैच उड़ाएँ मेरे इनके बहन भाई मेरे पास रात ही रह गए, बिल्कुल मगरिब में साफ दिखते हुए, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी परवाज है। और नज़र सियान के भी बहुत पक्के हैं, घर ही आते हैं, कोई सा कबूतर ज़ाया नहीं होता। चलिए, तो बच्चा निकल जाए इनका, चीन बच्चा, जीरो गली का बच्चा भी, तो भी घर ही लौटता, वापसी करता। तो माजिद भाई, ये उन्हीं के बच्चे हैं जो अभी अपन ने पेयर दिखाया है? ये उसी पेयर के बच्चे हैं, मादा चेंज करी है मैंने अभी, पहले काली दुम की मादा मिली हुई थी, अब उससे मैंने वाइट दुम की मादा मिलाई है, ये काली दुम वाली से बच्चे हैं, ये प्यार है पूरा। चलिए दोस्तों, शोक कीजिए आप, ये भी सियालकोटी बटे रही हैं? जी हाँ, सियालकोटी 35 वाले चूहे, ये सब एक ही जगह की ब्रीड मिलता हूँ। दोस्तों शोक कीजिए नर की आंखों का, देखिए आप माहित भाई, ये सारे कबूतर अभी जो दिखा रहे हैं सब ब्रीडिंग में, ये भी ब्रीड कर रहा है अभी? ये भी सब ब्रीडिंग में। तो शोक करीजिए दोस्तों, इसके पैरों का शोक कीजिए, और देखिए एक पत्ता धूमे इसकी पूरी, ये
असल हालत में ये जोड़ा है, ये देखिए। ये थोड़ी ये जोड़ लगी हुई थी मेरे पास, ये इसकी मादा है, इसको शौक कीजिए। ये सब अभी ब्रीडिंग में लगे हुए हैं इसलिए ऐसे ही कंडीशन है इनकी, शौक कीजिए एक बार और। इसके पर चलिए दोस्तों, इस जोड़े को छोड़ के शौक कराते, शौक कीजिए दोस्तों। सैल क्यूटी बटेरे कबूतरों का असल हालत में ये मेले स्टेटिंग देखिए आप इसकी, और ये इसकी फीमेल है। भाई भाई अभी ये कितने एज है इनकी, एज क्या है इनकी? आप करीब 2 साल के करीब के हुआ है, ये 2 साल के कबूतर है। देखिए ये पूरा जोड़ा लगा हुआ है और माजिद भाई के पास ब्रीड कर रहा है। चलिए दोस्तों दूसरे पैर की तरफ चलते हैं अपन। दोस्तों ये तीसरा पैर है हमारा, तो माजिद भाई बताएं ये कौन सा पैर है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये सब 35 वाले कहलाते हैं ये जी, और जो है कि ये वही ब्रीड है जी, ये भी सियालकोट की जी। और ये भी आपके पास वहीं से आए? जी हाँ, ये भी सब प्योर है। ये कबूतर आपके पास कहाँ से आए थे और किस कैसे आए थे, यानी अंडे आए थे कि कबूतर ही आए थे आपके पास? सब अंडे आए थे जी, उस्ताद लेके आए थे जी, तो फिर यहाँ पर अपने अपने कबूतरों के नीचे रख लगा के फिर ब्रीडिंग करवाई है अपन ने जी। माशाल्लाह आज इनकी बहुत नस्लें हो चुकी हैं अपने पास जी, अपने खुद के पास ही जी। और इन कबूतरों को अपन ने सब पहले जो निकले बच्चे फर्स्ट टाइम में, तो उन सबको बच्चों को अपन ने चेक किया जी, क्योंकि अपन को तो उड़ाने का शौक है सिर्फ जी भाई जी। तो पहले अपन चेक करते हैं बच्चा, अगर काम करते हैं तो जोड़े ही देते हैं, ब्रीडिंग में डालते हैं फिर आप जी। हाँ ये सब ब्रीडिंग के लिए। तो चलिए शौक कराइए 35 वाले जोड़े का। दोस्तों देखिए ये 35 वाला पेयर है हमारे माजिद भाई का, और ये भी ब्रीडर पेयर है, इसके भी बच्चे पट्टे हैं, तो शौक कीजिए इनकी आंखों का। ये नर की आंख है देखिए आप, ये इसकी मादा की आंख है। असल हालत में ये जोड़ा है दोस्तों। इनके पंजों का शो कराते हैं आपको, देखिए इनके पंजे आप दोनों के, ये देखिए आप दोनों के पंजे, लाल सुरख पंजे हैं। माजिद भाई ये भी आपने उड़ाए हैं? जी नहीं, इनको नहीं उड़ाया मैंने, इनके बच्चों को उड़ाया, इनके बच्चों को उड़ाया है। ये प्योर कबूतर हैं जी, जाया ना हो इस वजह से अपन ने पहले इनकी जोड़े बनाई पंजे। दोस्तों शौक कराते हैं इसको छोड़ के। दोस्तों ये बैर का शौक करा रहे हैं आपको 35 वाले का छोड़ के, ये देखिए आप, ये मेल है, असल हालत में कबूतर है, ये इसकी फीमेल है देखिए दोस्तों, ये ब्रीडर प्यारे। माशाल्लाह से स्टेटिंग देखिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कबूतर आपको कैसे लगे, और मेरी पहली वीडियो है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे और भी माजिद भाई के पास ब्रीड है, उनका शौक कराएंगे आपको दूसरे पार्ट में। देखिए असल हालत में 35 वाले कबूतर, क्वालिटी देखिए आप दोस्तों। तो दोस्तों देखिए सियालकोटी बटेरे 35 वालों का शौक, और ये माजिद भाई के पास क्वांटिटी में, ये क्वांटिटी में देखिए आप कबूतरों को, और भी कबूतर हैं अभी माजिद भाई के पास, ये कुछ उनके ब्रीडर पेयर शौक के लिए। देखिए दोस्तों असल क्वालिटी के अंदर स्टैंडिंग देखिए, कबूतर का वजूद देखिए, और कमेंट करके बताइए कैसे लगे आपको कबूतर हमारे माजिद भाई